अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके। एक बार फिर एक के खान किचन में एक मज़ेदार और ज़बरदस्त सा जो है मैं क्रीमी और फ्रूटी कस्टर्ड लेकर आई हूँ। और ये मज़ेदार सा डिज़र्ट मैं आपके सामने अब रेडी करूँगी। ये किस तरह रेडी होगा, ये बहुत ही झटपट और यमी सा ये डिज़र्ट बनेगा। तो चलें व्यूअर्स, अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। पहले मैं आपको इनके ग्लासों के बारे में बता दूँ। आप इसको इस टाइप के कोई भी आपके पास किसी भी शेप के गिलास हों, आप उसमें इसको सर्व कर सकते हैं। और छोटे बच्चों के लिए आप इस टाइप के गिलासों में भी इसको सर्व कर सकते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, मेरे पास यहाँ 4 टेबल स्पून मिक्स फ्रूट है। यहाँ मेरे पास स्ट्रॉबेरी सॉस है। बिस्किट का मेरे पास एक पैकेट रखा है। स्ट्रॉबेरी क्रीम है मेरे पास। और यहाँ मेरे पास जो है वनीला कस्टर्ड है, जो मैंने रेडी किया हुआ है। कस्टर्ड बनाना सभी को आता है, ये वनीला कस्टर्ड मेरे पास रेडी है। तो चले व्यूअर्स, हम अपने ग्लास रेडी करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, मैंने यहाँ जो है नीचे स्ट्रॉबेरी सॉस ऐड की, ऊपर मैंने बिस्किट ऐड किए। बिस्किट के बाद मैंने इसमें कस्टर्ड ऐड किया। कस्टर्ड ऐड करने के बाद मिक्स फ्रूट ऐड कर दिए। मिक्स फ्रूट ऐड करने के बाद मैंने इसमें क्रीम ऐड कर दी। क्रीम ऐड करने के बाद मैंने स्ट्रॉबेरी सॉस इसमें ऐड कर दी। इसके बाद मैंने फिर इसमें बिस्किट ऐड कर दिए। ये क्रीम मैंने ऐड कर दी। अब मैं इसे आपको फाइनल लुक आपको मैं इसकी दिखाती हूँ। ये देखें व्यूवर्स, ये मैंने छोटू बेबी के लिए जो बनाया है, ये देखें, ये मेरा ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा जो है क्रीमी और फ्रूटी कस्टर्ड रेडी है। ये देखें आप, ये देखें व्यूवर्स, ये ज़बरदस्त सा झटपट बनने वाला जो है ना मज़ेदार सा कस्टर्ड रेडी है। आप भी बनाएं, इंजॉय करें और अपने बच्चों को भी खिलाएं। बच्चे जो है इसी तरह ये फ्रूट्स वगैरह केक वगैरह नहीं खाते हैं, तो इस तरह कस्टर्ड वगैरह बना के दें, उसमें उन्हें खिलाएं और इन्जॉय करें मेरी ये रेसिपी। अगर आप लोगों को मेरी ये झटपट बनने वाली रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।